कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पिता शायद से उसे मार रहे थे, ये कहते हुए कि तुम मेरी आंखों में छुपते हो बिल्कुल किसी कांटे की तरह। और शायद से उसकी माँ बड़े ही चैन से टीवी देख रही थी। और तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने बचपन को याद कर रहा था और इस वक्त वो अपनी स्कूल बस में बैठा हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की एक लड़के को समझा रही थी क्योंकि वो लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। जरा देखो तो हमारी क्लास की अयाका को रोमांटिक नोबल्स पढ़ना पसंद है और बस में बैठा कोई भी स्टूडेंट उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तोका हमें बताता है इस वक्त हम सभी एक स्कूल फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं और बस में जो कुछ भी हो रहा है कुछ बच्चे ये देखकर हंस रहे हैं और कुछ इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। टीचर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस वक्त मैं इस लड़की की मदद करने की कोशिश करता हूँ तो शायद से मैं बहुत कूल लगूंगा, लेकिन सच बताऊं मेरे कुछ कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस लड़की के बार बार कहने पर भी वो लड़का उसकी नोबल उसे वापस नहीं करता, इसीलिए तोका अब बीच में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का तोका को इन नजरों से देखने लगता है जैसे वो कोई मायने ही नहीं रखता। और इसके बाद वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि देखो भाई, लड़की को बचाने के लिए हीरो की एंट्री हो गई। लेकिन तभी क्लास के इलाइट स्टूडेंट्स में से एक कहता है उसकी बुक उसे वापस कर दो, जिस पर ये लड़का यामादा कहता है यार मैं तो बस इन दोनों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। वो दूसरा लड़का ताकुतो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम तोका के साथ क्या करते हो, लेकिन अयाका को उसकी किताब वापस कर दो। इसीलिए अब यामादा अयाका को उसकी किताब वापस कर देता है। लेकिन इसके बाद यामादा इस बात का गुस्सा क्लास के कमजोर स्टूडेंट्स पर उतारने लगता है, सो तभी टीचर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वहीं तोका सोचता है मैं हमेशा दूसरों के मामलों में फंसने से बचता हूँ, लेकिन अभी जो मैंने किया वो शायद से उस सपने की वजह से है जो मैंने अभी देखा था। लेकिन अगले ही पल में कुछ बेहद अजीब होता है। अचानक ही सभी बच्चों को दूसरी दुनिया में सम्मन कर लिया जाता है। अचानक ही दूसरी जगह पर आकर वो सभी बहुत हैरान थे। और तभी एक गॉडेस वीसियस उनसे कहती है मैं तुम सभी का इस दुनिया में स्वागत करती हूँ। जब हमारी दुनिया में द ग्रेट डीमन लॉर्ड तबाही मचाने लगता है तब हम दूसरी दुनिया से हीरोज को सम्मन करते हैं। आज से करीब 200 साल पहले कुछ हीरोज ने एक साथ मिलकर डीमन किंग को हरा दिया था, लेकिन अब इतने वक्त बाद द ग्रेट डीमन एम्पायर खुद को फिर से खड़ा कर रहा है और इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। कुछ स्टूडेंट्स को उस गॉडेस की इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि ये लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं। सो तभी टीचर उनसे कहते हैं पहले हमें इस गॉडेस की बात सुननी चाहिए। सो अब ताकू तो कहता है तो तुम चाहती हो कि हम इस ग्रेट डीमन एम्पायर को हराएं? वैसे अगर हम तुम्हारी मदद करने से मना कर दें तो? वो गॉडेस कहती है तो फिर तुम सभी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि इन्हें इनकी दुनिया में वापस जाने के लिए एक स्पेशल एलिमेंट की जरूरत होगी जिसे डीमन किंग एसेंस कहते हैं और उसे पाने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, या तो ये डीमन किंग को मारकर उसे हासिल करें, या दूसरा डीमन किंग के हारने के बाद ये उसके एसेंस को इस नेकलेस में स्टोर कर सकते हैं। तभी यामादा कहता है आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें? सो तभी वो गॉडेस इन सभी के सामने झुककर कहती है प्लीज हीरोज हमारी दुनिया को बचा लीजिए। सो तभी अयाका उस गॉडेस से कहती है कि हम सभी तो मामूली इंसान हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकें। जिस पर वो गॉडेस कहती है तुम सभी के पास ऐसी ताकतें हैं जो दूसरे इंसानों में नहीं हैं और ये ताकतें इन्हें इस दुनिया में सम्मन होने के बाद मिली हैं। और इसके बाद वो गॉडेस अपने सोल्जर्स से यहाँ कुछ लाने को कहती है और ना जाने क्यों तोका को यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद वो सोल्जर्स वहाँ एक अजीब सा बीस्ट और एक शख्स को लेकर आते हैं और जैसे ही वो सोल्जर्स उस बीस्ट को छोड़ते हैं वो उस इंसान को मारकर खत्म कर देता है। लेकिन तभी ये गॉडेस अपने फायर मैजिक का यूज करके उस बीस्ट को खत्म कर देती है, जो देख कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और अब
सभी को यकीन भी हो जाता है कि ये दूसरी दुनिया है। अब इसके बाद बारी आती है इन सभी स्टूडेंट्स की पावर्स जानने की। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, जिससे वो क्रिस्टल अलग अलग रंगों में ग्लो करने लगता है। यामारा की बारी आने पर वो क्रिस्टल रेड कलर में ग्लो करता है, जो कि शायद से कुछ ज्यादा ही रेयर होता है। लेकिन ताकुतो की बारी आने पर वो क्रिस्टल फट जाता है। यानी ताकुतो की पावर्स एस क्लास की हैं, और एस का मतलब होता है स्पेशल। यामादा पूछता है, तो फिर मेरा क्या? वो बताती है, तुम ए क्लास के हो। इसके बाद अयाका की बारी आती है और वो क्रिस्टल फिर से टूट जाता है। यानी अयाका भी एस क्लास की है। इसुकी और हिजरी, जो कि दोनों बहनें हैं, इन दोनों की क्लास भी एस होती है। और इतने सारे एस क्लास होने की वजह से गॉडेस काफी खुश होती है। और इसके बाद बारी आती है हमारे तोका की। लेकिन जब वो अपना हाथ रखता है, तब क्रिस्टल पर्पल कलर में ग्लो करता है, और इसी वजह से गॉडेस उसे टोटली इग्नोर करके अगले स्टूडेंट को बुलाने लगती है। जो देख तोका सोचता है, शायद इस दूसरी दुनिया में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी गॉडेस एक और स्टूडेंट की पावर देख हैरान हो जाती है। उसकी ताकत थी एक डार्क हीरो की, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अब इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि वो किस तरह अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और स्टेटस देखकर इन्हें अपनी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में पता चलता है। और यहाँ तोका के पास एक यूनिक स्किल होती है। यूनिक स्किल्स ऐसी स्पेशल स्किल्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल बस कुछ ही लोग कर पाते हैं, और स्पेशल स्किल्स को बाद में अवेकन भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बाद वो गॉडेस कहती है, अब बस आखिरी जरूरी रिचुअल बचा है, तोका मेमोरी, प्लीज यहाँ आइए। और इसके बाद तोका को सोल्जर उस गॉडेस के पास लाने लगते हैं। तोका, तुम एक ई क्लास हो, सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक के हीरो, और जो लो रैंक हीरोज होते हैं उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग हीरोज को दिक्कत सहनी पड़ती है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम ऐसे लो रैंक हीरोज के साथ खुद डील किया करेंगे। हम तुम्हें एक आखिरी मौका देंगे, वो टेलीपोर्टेशन सर्कल लोएस्ट रैंक हीरो को कुछ खंडरों में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर वो उन खंडरों से बचकर जिंदा निकल आते हैं, तब वो अपनी मर्जी से एक प्यारी जिंदगी जी सकते हैं। तोका पूछता है, क्या वो खंडर खतरनाक होते हैं? गॉडेस कहती है, हमने पहले भी कई दफा उन खंडरों में काफी सारे लोएस्ट हीरोज को भेजा है, और उन खंडरों को कहते हैं द रियूंस ऑफ डिस्पोजल। यानी कि तोका की मौत पक्की है। इसीलिए तोका गॉडेस को बताता है कि उसके पास एक यूनिक स्किल है। लेकिन जैसी यूनिक स्किल तोका के पास है, उसकी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। इन शॉर्ट, तोका की सारी स्किल्स कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी के साथ तुम्हारे स्टेटस इतने ज्यादा लो हैं कि तुम कुछ भी कर लो, ज्यादा ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे। ये बातें सुन तोका कहता है, तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया और अब तुम मुझे मरने के लिए छोड़ रही हो। लेकिन तभी ताकुतो कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, सभी लड़कियां बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। अब इसके बाद बाकी के बच्चे भी कहने लगते हैं कि हाँ, जल्दी जाओ और मरो। और तभी तोका के पास वो लड़का आता है जिसके पास डार्क हीरो की पावर है, और जब स्कूल में दूसरे लड़के इसे परेशान किया करते थे, तब इसकी ओर दोस्ती का हाथ सिर्फ तोका ने बढ़ाया था। लेकिन यहाँ वो भी तोका की बेइज्जती करने लगता है, और इसके बाद उसे एक ट्रैश हीरो कहकर चला जाता है। और इसके बाद तोका को उन खंडरों में भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट किया जाता है। और जब हीरोज दूसरी दुनिया में आते हैं, तब उन सभी को कोई ना कोई यूनिक आइटम मिलता है, और तोका को वो गॉडेस ये घटिया सा दिखने वाला थैला दे देती है। और जब तोका की मैजिक पावर इस थैले में जाएगी, तब इस थैले पर लगा क्रिस्टल ग्लो करने लगेगा। लेकिन तभी अयाका तोका को बचाने की बात कहती है, लेकिन तभी गॉडेस उसमें एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है। अयाका के अलावा कोई भी स्टूडेंट तोका को बचाने के लिए आगे नहीं आता। गुस्से में आकर तोका इस गॉडेस के ऊपर अपना एक स्पेल पैरालाइज यूज करता है, लेकिन गॉडेस के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि गॉडेस को एक बैरियर हमेशा प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद वो कहती है, सभी देखो इस लूजर हीरो की किस्मत। लेकिन तभी ताकुतो अपने मैजिक का यूज करके वहाँ एक धमाका कर देता है, और कहता है,
मैं जरा अपनी ताकत को चेक कर रहा था। दूसरी ओर बाकी के स्टूडेंट्स तुका की हालत देख बस खुश हो रहे थे। और आखिर में वो गॉडेस पूछती है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तुका यहाँ रोते हुए अपने बचपन को याद करता है, जब वो हमेशा रोता था तब उसकी ही अंतरात्मा उससे कहती थी, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम अपनी हकीकत को नहीं बदल सकते, इसीलिए तुम्हें भी अपनी हकीकत सबको दिखानी चाहिए। सबको दिखाओ कि तुम असल में कैसे हो। और अब तुका कहता है, गॉडेस अगर मैं उन खंडरों से जिंदा वापस आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसी तरह उसे उन खंडरों में भेज दिया जाता है। खंडरों में बेहद अंधेरा था, इसीलिए तुका अपने यूनिक आइटम में अपनी मैजिक पावर को डालकर उसमें लगे क्रिस्टल को चमकाने लगता है। और इसके बाद उस जगह को देखता है, यहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है। और तभी एक अजीब सा मॉन्स्टर तुका पर हमला कर देता है। तुका उसके हमले से बचकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था, जिस वजह से तुका बहुत घबराने लगता है। डर के मारे वो रोने लगता है और तभी अचानक वो गिर जाता है। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को देखता है। वो सोचता है, आखिर मेरे अंदर ये कौन सा इमोशन है, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि किस तरह सब ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और क्या सच में मैं यहाँ मरने वाला हूँ? और वो ये मान लेता है कि उसके भाग्य में मौत लिखी है। लेकिन तभी उसे अपने घटिया क्लासमेट्स की आवाजें आने लगती हैं। और जब वो मॉन्स्टर तुका पर हमला करता है तभी तुका उस पर अपने पैरालाइज मैजिक का यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। और तुका वहां से भागते हुए सोचने लगता है, गॉडेस ने तो कहा था कि मेरी ताकतें किसी पर भी काम नहीं करेंगी, क्या ये मॉन्स्टर एक लो रैंक है? नहीं, शायद से मेरी किस्मत अच्छी रही होगी। भागते हुए तुका काफी दूर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो रुकता है उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है। और उसे अपनी ओर आता हुआ देख तुका घबराने लगता है। तुका की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। और अब तुका फिर से इस मॉन्स्टर पर अपने पैरालाइज मैजिक का यूज करता है और उसका मैजिक फिर से काम करता है। यानी कि पिछली बार जो हुआ वो उसकी किस्मत नहीं थी, बल्कि उसकी ताकतें सच में काम करती हैं। जो जान तुका अपना स्टेटस ओपन करता है, वो कई दफा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चुका है और अब उसके पास सिर्फ एक MP बची है जो कभी भी खत्म हो सकती है। और अब तुका इस मॉन्स्टर पर अपने पॉइजन मैजिक का यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वही मरने लगता है, उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। लेकिन तुका की पूरी MP खत्म हो चुकी है और अब शायद ही वो अपने मैजिक का यूज कर पाएगा। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, वही जिसको तुका ने पैरालाइज किया था। उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है और अब तुका को लगने लगता है कि वो सच में मरने वाला है। तभी वो याद करता है कि गॉडेस ने उससे कहा था, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी मौत बहुत भयानक हो, और किस तरह बाकी सब हंस रहे थे। और इसके बाद वो अपने बचपन को भी याद करता है। उसके मन की आवाज कहती है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ, इसीलिए कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आने वाला, और अब इसीलिए मैं खुद जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारूंगा। दूसरों पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे सब कुछ खुद हासिल करना होगा। और अब तुका मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जिंदा रहने के लिए मरते दम तक लड़ूंगा। अब तुका उस माइनोटोर को फिर से पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो एक सेम स्किल का यूज किसी टारगेट पर बार बार नहीं कर सकता, इसीलिए अब तुका अपनी एक और स्किल स्लीप का यूज करके उस मॉन्स्टर को सुला देता है। लेकिन अब उसकी ओर बहुत सारे बर्ड मॉन्स्टर आने लगते हैं और इन्हें देख तुका घबरा जाता है। और इसके बाद तुका अपनी नेचुरल MP का इस्तेमाल करके इन सभी को पैरालाइज कर देता है। नेचुरल MP का मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसी का इस्तेमाल करके तुका मैजिक पावर का यूज कर रहा है। लेकिन अब तो उसकी एनर्जी भी खत्म होने लगी है और तभी वहाँ कई सारे माइनोटोर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और इसके बाद फिर से तुका अपनी नेचुरल MP का इस्तेमाल करके उन सभी को पैरालाइज करने लगता है। लेकिन अब उसकी ताकत भी खत्म होने लगी है और वो मॉन्स्टर्स उसके बहुत करीब आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुका हार नहीं मानता। और इसके बाद फिर से इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए
तैयार हो जाता है और उसके इसी जोश की वजह से तोका का लेवल अप हो जाता है, जिससे उसकी एमपी भी रिस्टोर हो जाती है। और इसके बाद वो उन सभी मॉन्स्टर्स को पैरालाइज कर देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस बर्ड मॉन्स्टर के ऊपर तोका ने अपने पॉइजन स्किल का यूज किया था, उसके मरने की वजह से तोका को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और इसी वजह से उसका लेवल अप हो सका है। और इससे तोका समझ जाता है कि अगर उसे अपनी पावर को बढ़ाना है तो उसे और एक्सपीरियंस चाहिए होगा, यानी कि और मॉन्स्टर्स को मारना होगा। और लेवल अप हो जाने की वजह से अब तोका एक ही बार में कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकता है। और अब तोका को यकीन हो जाता है कि वो इन रियूम्स ऑफ डिस्पोजल से जिंदा बाहर निकल सकता है। लेकिन अभी भी तोका एक सेम स्किल का यूज किसी टारगेट पर दो बार नहीं कर सकता। इसके बाद तोका उन सभी पैरालाइज हुए मॉन्स्टर्स को पॉइजन करने लगता है, जिससे उसकी पॉइजन स्किल का भी लेवल अप हो जाता है। यानी कि तोका जितना ज्यादा किसी स्किल का यूज करेगा, वो स्किल उतनी ही ज्यादा लेवल अप करती जाएगी। और अब तो तोका भी खुश हो जाता है, क्योंकि इन सभी मॉन्स्टर्स से उसे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इसके बाद वो अपने स्टेटस देखता है, जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं, और उसकी एमपी वो तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे जैसे वो पॉइजन्ड मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं, तोका को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने लगते हैं, जिससे तोका का लेवल अप होने लगता है। और इसके बाद वो बाकी के मॉन्स्टर्स पर अपनी स्लीप स्किल का यूज करता है, जिससे उसकी ये स्किल भी लेवल 2 पर आ जाती है। लेकिन अब जो जिंदा बचे मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद तोका एक स्केलेटन के पास से एक कपड़ा ले लेता है और उस मरे हुए शख्स के लिए प्रार्थना करके इन खंडहरों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन अब उसे बहुत भूख लगाई है, इसीलिए वो इन मरे हुए बर्ड मॉन्स्टर्स के पास आता है और उसे एक बड़े खंजर से काटने की कोशिश करने लगता है। और ये खंजर तोका को उसी मरे हुए शख्स के पास से मिला है। लेकिन इन मॉन्स्टर्स की बॉडी में सिर्फ हड्डियां होती हैं, इसीलिए तोका इस बर्ड मॉन्स्टर की आंख निकाल कर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही उसे उगल देता है, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की पूरी बॉडी एसिड से बनी होती है और भूखे होने की वजह से तोका के लिए चलना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बैग के ऊपर जो क्रिस्टल लगा है वो पर्पल होता जा रहा है, इसीलिए तोका उसमें अपनी मैजिक पावर डालकर उसे चार्ज करने लगता है। लेकिन यहाँ तोका को ये बैग थोड़ा भारी लगता है, और जब वो उसे खोल कर देखता है तब उसमें उसे खाने पीने का कुछ सामान मिलता है। और खाने को देख तोका बहुत खुश हो जाता है और उस खाने को खाने लगता है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर इस बैग में खाना आया कहाँ से। शायद इस बैग ने ये खाना खुद प्रोड्यूस किया है, और ये बैग ऐसा कर सकता है क्योंकि ये एक यूनिक आइटम है। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब हम तोका को देखते हैं, जिसने कई सारे लिजार्ड मॉन्स्टर्स को पैरालाइज और पॉइजन किया होता है। और इसी के साथ तोका काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी चुका होता है। और जैसे जैसे ये मॉन्स्टर्स मर रहे थे, तोका का लेवल अप हो रहा था, और अब तोका का लेवल 665 है। लेकिन तोका यहाँ खुश नहीं होता, क्योंकि वो जो कर रहा है वो इंसानियत तो नहीं है, और आखिर ये सब उसे क्यों करना पड़ रहा है। और तभी तोका अपने बचपन को याद करता है। छोटा तोका हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ यही कहता, मुझे तुम्हें मारना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन इसके बाद तोका के पास उसके अंकल आंटी आते हैं उसे लेने के लिए, जिसके बाद तोका की एक नई जिंदगी शुरू हुई। और उन्होंने तोका को इंसानियत, दयालुता सिखाई, और तोका भी उन्हीं जैसा बनना चाहता था। लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं, शायद मेरा भाग्य अब यही है, और अब उसे अपने भाग्य को अपनाना होगा। इसके बाद तोका कुछ मरे हुए इंसानों के लिए प्रार्थना करके आगे बढ़ने लगता है। और तभी उसका सामना एक बड़े ही अजीब से मॉन्स्टर से होता है, जो मैजिक का भी यूज कर सकता था, लेकिन तोका इसको पैरालाइज और पॉइजन करके आसानी से मार देता है। इसके बाद तोका एक दरवाजे के पास पहुंचता है, जहां एक जैम लगा हुआ था। और जैसे ही तोका उस जैम में मैजिक को इन्फ्यूज करता है, वो दरवाजा खुल जाता है। और यहां आते ही तोका की नजर दो मरे हुए लोगों पर पड़ती है, एक आदमी और एक औरत, जो बिना खाना पानी के इतने सारे मॉन्स्टर्स के होने के बावजूद भी इतनी दूर तक आ गए। और इसके बाद इन दोनों ने यहाँ साथ में दम तोड़ दिया।
तोका को इनके पास से एक जेम्स की थैली मिलती है। तोका को लगता है कि ये जेम्स आगे उसके किसी काम आ सकते हैं, इसीलिए वो उस थैली को ले लेता है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 25th रूम में आ जाता है। और इस दरवाजे को खुलने में काफी वक्त लग रहा है, और जैसे ही ये दरवाजा खुलता है तोका की नजर एक और मरे हुए शख्स पर पड़ती है। तोका को उसके पास से एक लेटर मिलता है। तोका को उस दुनिया की भाषा समझ आ रही थी। वो पढ़ता है, मेरा नाम एंग्लिन बाथर्ड है, लोग मुझे एंग्लिन द ग्रेट सेज के नाम से बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे पुराने नाम को भी जानते हैं, एंग्लिन द हीरो ऑफ डार्कनेस। और ये डार्क हीरो शब्द सुनते ही तोका को यासु याद आता है, क्योंकि वो इस नए जमाने का डार्क हीरो है। आगे तोका पढ़ता है, उस गॉडेस वीसीएस ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा क्योंकि अब उसे मेरी जरूरत नहीं थी। इस लेटर को जो भी पढ़ रहा है, अगर वो इन खंडरों से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है तो मैं उसे एक जिम्मा सौंपना चाहूंगा, उस गॉडेस को मारने का। हमारा तोका तो पहले से ही उस गॉडेस से बदला लेना चाहता था। इसके बाद तोका को एंग्लिन के पास से एक किताब मिलती है, फॉरबिडन आर्ट्स कंप्लीट वर्क्स, और इसी के साथ एक फॉरबिडन मैजिक स्क्रोल भी मिलता है। लेकिन तोका को वो समझ नहीं आता, लेकिन वो इन चीजों को अपने पास रख लेता है क्योंकि ये सारी चीजें एक डार्क हीरो के पास थी तो जरूर से ये काम की होंगी। लेकिन इसके बाद तोका उस किताब में देखता है उस एंग्लिन ने अपने खून से लिखा है, सोलीटर से बचकर रहना क्योंकि इसी ने बाकी सबको मारा है। इसके बाद तोका संभलते हुए आगे बढ़ने लगता है और आगे उसे एक दरवाजा मिलता है, और ये दरवाजा तभी खुलेगा जब इसमें कोई चीज रखी जाए। इसके बाद तोका सोचने लगता है, एक डार्क हीरो भी उस मॉन्स्टर सोल ईटर को हरा नहीं सका, यानी वो बहुत ताकतवर होगा, क्या मैं उसे अपनी स्किल से हरा पाऊंगा। और इसके बाद तोका को सामने एक चेहरा दिखाई देता है, यही है सोल ईटर, और इसके माथे पर एक जेम स्टोन लगा हुआ है। और जैसे ही तोका उस पर हमला करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तभी उसके हाथ पर हमला हो जाता है। तोका अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए कहता है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे हराना हद से ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये वो मॉन्स्टर है जिसने एक वक्त इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर डार्क हीरो को हराया था। ये चीज इन खंडरों पर राज करती है, और तभी अचानक खंडर की कुछ दीवारें टूटती हैं और ये सोल ईटर अपनी जगह से बाहर निकल आता है। और अगर तोका इस खंडर से जिंदा निकलना चाहता है तो उसे इस मॉन्स्टर को हराना होगा। दूसरी ओर इस खंडर के बाहर हम एक लड़की को देखते हैं जो इन खंडरों की ओर जा रही थी। दूसरी ओर वो सोल ईटर अपना मुंह खोलकर कोई लिक्विड बाहर निकालता है, और उस लिक्विड में से अजीब से लोग बाहर आते हैं, और ये लोग उन लोगों के रेप्लिकास होते हैं जिन्हें इस सोल ईटर ने मारा है। और दूसरों को बेरहमी से मरता हुआ देख इस सोल ईटर को बड़ा आनंद मिलता है, और तभी वो सोल ईटर तोका के बगल की दीवार तोड़कर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे तोका के सिर में दर्द होने लगता है। और इसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है, तभी तोका उन अजीब से क्रिएचर्स को पैरालाइज कर देता है। लेकिन इसके बाद वो इन पर पॉइजन का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि भले से ही ये लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सभी एक वक्त पर इंसान थे। आखिर में अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को मारने के लिए कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ये सब देख उस सोल ईटर को बहुत अच्छा लग रहा था। तोका कहता है, मेरे लिए इंसानों को मारना तुम्हारी तरह आसान नहीं है, वो सब मासूम थे, आखिर मैं उनके खिलाफ अपने पॉइजन का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आखिर में मैं भी एक इंसान हूँ। और तोका की ऐसी हालत देख वो सोल ईटर अपने लिक्विड से और भी कई सारे डेड ह्यूमंस को क्रिएट कर लेती है, और ये सभी डेड ह्यूमंस तोका की ओर बढ़ने लगते हैं। तोका रोते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, हम सभी इंसान हैं, प्लीज तुम सभी दूर रहो। और ये सब देख सोल ईटर खुश हो रही थी, उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही है। वहीं तोका अभी भी उन सभी डेड ह्यूमन से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मुझसे दूर रहो, प्लीज दूर रहो, प्लीज यहाँ कोई मेरी मदद करो। तोका को इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देख सोल ईटर को बड़ा आनंद आ रहा था, और इसी मौके का फायदा उठाकर तोका सोल ईटर को पैरालाइज कर देता है और कहता है, तुम मुझे रोता गिड़गिड़ाता हुआ देख बहुत खुश हो रही थी, है ना, और इसी के चलते तुम ये तक नहीं देख सकी कि मैं हर वक्त हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और इसके बाद सोल ईटर वहीं गिर जाती है,
और तोका की पैरालाइज स्किल लेवल 3 की हो जाती है। और तोका कहता है, वैसे तुम्हें मेरा नाटक कैसा लगा? अच्छा था ना? कई सालों तक मैं नॉर्मल बनने की कोशिश करता रहा। मैंने इतनी कोशिश की कि मैं ये तक भूल गया कि मैं असल में हूँ कैसा। और इसके बाद तोका 100 लीटर पर पॉइजन का इस्तेमाल करता है। तुमने इन सभी डेड ह्यूमंस को क्रिएट किया, उन सभी सोल्स का इस्तेमाल करके जिनको तुमने खाया था। ये सारे इंसान कब के मर चुके हैं। ये मॉन्स्टर्स बस तुम्हारे हाथ की कठपुतलियां हैं, तुम्हारा एक हिस्सा, इसीलिए इन्हें मारने में कोई बुराई नहीं है। और इसके बाद वो सभी डेड ह्यूमंस फिर से लिक्विड बन जाते हैं। और तोका 100 लीटर के करीब जाते हुए कहता है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसी गलती की वजह से अब तुम मर रही हो। तुम्हें शायद से खुद पर शर्म आ रही होगी, मुझ जैसे कमजोर से इंसान ने तुम्हें हरा दिया, है ना 100 लीटर? ये बातें सुन 100 लीटर खुद को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऐसा करने से उसकी ये बॉडी डैमेज होने लगती है। और इसके बाद तोका के जहर की वजह से 100 लीटर धीरे धीरे मरने लगती है, और तोका का पॉइजन लेवल 3 का हो जाता है। और इसके बाद वो 100 लीटर खत्म हो जाती है, और उसके खत्म होते ही उसके अंदर से वो सारी सोल्स निकलती हैं जिनको उसने खाया था। और ये सभी सोल्स अपने इंसानी रूप में आकर तोका का शुक्रिया करती हैं, और इस 100 लीटर को हराने पर उसे कॉन्ग्रेट्स भी करते हैं। और इसके बाद डार्क हीरो की सोल आकर कहती है, प्लीज उस गॉडेस को मार देना। और इसके बाद वो सभी सोल्स गायब हो जाती हैं। और इसके बाद तोका उस 100 लीटर के सिर से वो जेम स्टोन निकाल कर कहता है, मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है, उस गॉडेस को खत्म करना, लेकिन इसमें मुझे काफी वक्त लगेगा। और इसके बाद तोका उस दरवाजे के पास जाकर उसमें इस जेम स्टोन को फिट कर देता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। और अब तोका एक नई शुरुआत करने के लिए अपने कदम बाहर बढ़ाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें जंगल में एक बीस्ट दिखाया जाता है, जिसे तोका का क्लासमेट यामादा मारने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर ताकुतो अपने ड्रैकोनिक बस्टर से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, और हमें पता चलता है कि ताकुतो का लेवल 18 हो गया है। दूसरी ओर यासु अपनी डार्क पावर से मॉन्स्टर्स को मारकर बहुत खुश हो रहा था। वहीं इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम काशिमा है, जो बहुत डरी हुई थी। सो तभी उसके पास एक और लड़की आती है, आसागी, और वो काशिमा से कहती है, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी क्लास आज नहीं तो कल टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगी, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत ईगो है, और यहाँ सभी को रैंक्स में डिवाइड किया गया है, ई क्लास से लेकर एस क्लास तक। ओ वैसे मैं बी क्लास हूँ। वैसे जब हमारी क्लास टुकड़ों टुकड़ों में बटेगी तो मैं चाहूंगी कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि तुम एक डी क्लास हो और मुझे नहीं लगता कि तुम ताकुतो के ग्रुप में जा पाओगी, और वो दोनों बहनें हमेशा बस अकेले रहना पसंद करती हैं। और आखिर में बचती है अयाका, वो आज नहीं तो कल मारी जाएगी। काशिमा पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो कहती है, तुम बाद में समझ जाओगी, वैसे इस वक्त तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ग्रेट डीमन एम्पायर को हरा दिया तो हम वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, है ना? और इसके बाद ये असागी काशिमा के बूप को दबाने लगती है। देखकर लगता है कि असागी कोई लेस्बियन है। और आखिर में असागी कहती है, अगर तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। और इसके बाद असागी कुछ लड़कियों को बुलाती है जिन्होंने साथ में मिलकर एक मॉन्स्टर को पकड़ रखा था। और इस वक्त ये पूरी क्लास यहाँ पर एक टास्क कंप्लीट कर रही है जो गॉडेस ने दिया है, लेकिन अभी तक काशिमा ने किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारा। इसीलिए असागी काशिमा से कहती है, हमारा पूरा ग्रुप साथ में ताकतवर बनेगा, इसीलिए इसे मार दो, वरना हो सकता है तुम्हारी हालत भी उस तोका जैसी हो। ये बात सुन काशिमा हिम्मत करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और उसके ऐसा करने के बाद असागी कहती है, अब से तुम हम में से एक हो, और वहां से चली जाती है। वहीं काशिमा वहीं बैठकर रोने लगती है, ये याद करते हुए कि किस तरह तोका ने सड़क पर पड़ी एक घायल बिल्ली की मदद की थी, उससे ये कहते हुए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यही याद करते हुए काशिमा रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकी तोका। दूसरी ओर अयाका को होश आता है
क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि उस गॉडेस ने अयाका को मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया था, जिसका दर्द अयाका को अभी भी हो रहा है। और इसके बाद अयाका गॉडेस के पास आती है। गॉडेस रोते हुए कहती है, सरतोका के साथ जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन क्या करें, ये हमारे किंगडम ऑफ एलियन की एक पॉलिसी है। लेकिन इस वक्त हम सरतोका के जाने का शोक नहीं मना सकते, क्योंकि रिचुअल अभी भी चल रहा है। पिछले कई दिनों से जब आप बेहोश थी तो बाकी सबको एक टेस्ट पर भेजा गया, ये देखने के लिए कि वो मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं या नहीं। लेकिन कई सारे बच्चे उन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाए और इसीलिए हमें उन्हें हीरोज की पदवी से हटाना पड़ा। अयाका कहती है, तुम्हारा मतलब कमजोरों को हटाना? गॉडेस कहती है, हाँ यही हमारे एलियन की पॉलिसी है। ये सुन अयाका कहती है, गॉडेस मैं एक बात तुमसे साफ साफ कहना चाहती हूँ, जिस तरह तुम ये चीजें करती हो मैं उनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जिस पर वो गॉडेस हंसते हुए कहती है, हमें भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने चाहिए, हम निकम्मे लोगों को खत्म करना ही पड़ता है। जिस पर अयाका कहती है, मैं एक एस क्लास हीरो हूँ है ना, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के बदले में मेहनत करूंगी जो तुम्हारे टेस्ट को पास नहीं कर पाते। अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम कमजोरों को मारना बंद कर दोगी? जिस पर वो गॉडेस कहती है, तुम कितनी हिम्मत वाली हो, वैसे उस दिन तुम्हें मुक्का मारने के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन वो जरूरी था। और इसके बाद वो गॉडेस अयाका के साथ हाथ मिलाती है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मिस अयाका। इसके बाद हमें डार्क फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जो शायद कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी, लेकिन उसके भागने से कुछ ऐसे निशान पीछे छूट जाते हैं जिन्हें देखकर वो लोग उसके जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और ये चार लोग होते हैं, इस आदमी का नाम मैगेट्स ब्लेडेन, और इसका नाम असुरा, और इसका नाम जियोबेन सेंगाई, और इसका नाम जारश, और इनके ग्रुप का नाम है द होली वॉचर्स। और ये सभी उस लड़की को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर हमारा तोका द रूल्स ऑफ डिस्पोजल से बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो अपना स्टेटस देखता है। यहाँ तोका को पता चलता है कि वो अपनी पैरालाइज स्किल को अपनी मर्जी से किसी के ऊपर से हटा भी सकता है, और उसके बॉडी के कौन से हिस्से को पैरालाइज करना है ये भी डिसाइड कर सकता है, और ऐसा ही वो पॉइजन स्किल के साथ भी कर सकता है। इसके बाद तोका आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। वहां वो देखता है कि कुछ स्लाइम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बाकी के स्लाइम इस छोटे से स्लाइम को बुली कर रहे थे, और अब तोका यही देखने लगता है। पहले तो ये सभी बड़े स्लाइम्स उस छोटे स्लाइम पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वो छोटा स्लाइम उन सभी को खुद से दूर कर देता है, और इसके बाद उनका मुकाबला करने लगता है। लेकिन इसके बाद तोका उन बाकी के चार स्लाइम्स को पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है, और इसके बाद उन पर से पॉइजन और पैरालाइज को डिसमिस भी कर देता है, जिसके बाद वो स्लाइम्स तोका से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन साथ ही तोका ने इस छोटे स्लाइम को पैरालाइज किया हुआ था। तोका उससे कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माफ करना मैंने तुम्हारी मदद जरा जल्दी नहीं की, लेकिन तुमने उनका काफी हिम्मत से सामना किया। और इसके बाद तोका उस पर से पैरालाइज को हटाकर वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए कि एक अच्छी जिंदगी जीना दोस्त। लेकिन वो स्लाइम अब तोका के पीछे ही जाने लगता है, और जैसे ही तोका उसे देखता है वो स्लाइम रुक जाता है, लेकिन तोका के आगे बढ़ने के साथ ही वो भी उसके पीछे जाने लगता है। इसीलिए अब तोका उससे कहता है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो स्लाइम नाम से रहलाता है, जिससे तोका समझ जाता है कि इस स्लाइम को भी बाकी सब तोका की तरह अकेला छोड़ चुके हैं। दूसरी ओर हम उसी लड़की को देखते हैं जो भागते भागते थक चुकी थी, लेकिन उसे वो द होली वॉचर्स अभी भी अपने पीछे आते हुए महसूस हो रहे थे, क्योंकि उनके शिकार करने का तरीका यही है, पहले वो अपने शिकार को थकाते हैं और उसके बाद उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर हम तोका के साथ अब उसी स्लाइम को देखते हैं, और अब तोका ने इस स्लाइम के साथ दोस्ती कर ली है, और यहाँ तोका उस डार्क हीरो की फॉरबिडन आर्ट्स की बुक को पढ़ रहा था। इसमें वो एक फॉरबिडन आर्ट देखता है जिससे मॉन्स्टर्स को ताकतवर बनाया जा सकता है। वैसे इसके बाद तोका उस स्लाइम से कहता है, मैं एक बदले के सफर पर हूँ, तो क्या तुम इस सफर में मेरा साथ दोगे? वो स्लाइम अपना रंग बदल कर हाँ का इशारा करता है, सो अब तोका उसे पिगी मारू नाम देता है।
और उस स्लाइम को ये नाम बहुत पसंद आता है। और अगर तोका उस गॉडेस से बदला लेना चाहता है तो उसे फॉरबिडन आर्ट्स और मैजिक को सीखना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो द होली वॉचर्स उस लड़की का पीछा करते हुए उसके बहुत पास आ चुके हैं, इसीलिए अब वो लड़की भागना बंद कर देती है और अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, द स्पिरिट्स ऑफ रैकेलिया, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हें अपनी नींद दूंगी। और इसके बाद ये लड़की कुछ एंचेंटमेंट्स करते हुए अपनी पावर के फ्लो के साथ एक डांस करती है, जिससे उसकी बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है, स्पिरिट रैकेलिया। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ बड़ा अजीब होता है। इन लोगों ने जिसे घेर रखा था वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि हमारा तोका था, यहाँ मैकेट कहता है। इसे देखकर नहीं लगता कि ये एक लड़की है। सो सेंगाई कहता है, तुम हमें अपना सारा सामान दे दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन मैगेट कहता है, नहीं, हम इसे मारेंगे। ये बात सुन जारश कहता है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो क्योंकि उस लड़की का स्टैमिना खत्म हो चुका होगा। तभी असुरा कहता है, लड़कों को मारने में मजा नहीं आता, लड़कियों के साथ तो हम मजा भी कर सकते हैं। और यहाँ असुरा सेंगाई के साथ उस लड़की की इज्जत लूटने की बातें करने लगता है। सो तभी जारश कहता है, लेकिन हमें उस लड़की को जल्द ही मारना होगा क्योंकि हमें उसे मारने के ही पैसे मिले हैं। वैसे इनकी बातचीत के बीच तोका यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मैगट कहता है, कहाँ जा रहे हो बच्चे, आज तुम यहीं मरने वाले हो। तोका डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन मैगट कहता है, अब गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें मरना होगा। और इसके बाद वो तोका पर हमला कर देता है, लेकिन तभी तोका उसे पैरालाइज कर देता है जिससे मैगेट वहीं गिर जाता है। और इसके बाद तोका कहता है, तुम तो उस खंडर में मौजूद किसी एक मॉन्स्टर जितने भी खतरनाक नहीं हो। वैसे यहाँ तोका के साथ साथ पिगी मारू को भी इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए तोका कहता है, अगर ये लोग मर भी जाएं तब भी इनके मरने से मुझे कोई दुख नहीं होगा बल्कि जरा सुकून ही मिलेगा। और इसके बाद तोका उन सभी को पॉइजन कर देता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों मर चुके हैं, लेकिन तभी तोका को महसूस होता है कि पास ही में कोई और भी है। दूसरी ओर उस लड़की को भी महसूस होता है कि उन आदमियों की प्रेजेंस अब उसके आसपास नहीं है, लेकिन तभी उसे वहाँ कोई और महसूस होता है जिसकी प्रेजेंस सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक भी है। यहाँ तक कि उससे जंगल की स्पिरिट्स भी डर रही हैं। और अगले ही पल में तोका उस लड़की के पीछे से आकर उसे पैरालाइज कर देता है। और इसके बाद तोका कहता है, मुझे महसूस हुआ कि तुम हमला करने वाली हो, लेकिन साथ ही मुझे कुछ अजीब भी लगा, तो क्यों ना इस मामले को बातचीत करके सुलझाया जाए। वो लड़की पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तोका कहता है कि मैं खो गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। वैसे वो चार लोग क्या तुम्हारे दोस्त थे। वो लड़की कहती है, नहीं, लेकिन वो सही से बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए तोका उसके मुंह से पैरालाइज हटा देता है। लेकिन वो उसे चेतावनी भी देता है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो लड़की सही से बोल पा रही थी। तोका उससे कहता है, देखो मैं इतनी आसानी से तुम पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि अपने यहाँ तक के सफर में मैंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, मुझसे कुछ भी पूछने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा सामना चार आदमियों के ग्रुप के साथ हुआ था। तोका कहता है, हाँ, लेकिन मैं उन सबको मार चुका हूँ। वो लड़की कहती है, क्या तुमने द होली वॉचर्स को खत्म कर दिया, क्या ऐसा करने में तुम्हारी किसी ने मदद की। तोका कहता है, हाँ, एक ने, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ये सुन वो लड़की कहती है, मुझे तुम्हारी बातों से झूठ की बू नहीं आ रही, शायद से तुम सच कह रहे हो। मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगी, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुन तोका कहता है, तुम्हें भी देखकर नहीं लगता कि तुम कोई बुरी पर्सन हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बारे में जितना कम जाने उतना ही अच्छा रहेगा। अब इसके बाद उस लड़की से तोका को पता चलता है कि इस वक्त वो किंगडम ऑफ उल्जा के साउथ में मौजूद एक जंगल में है और इस वक्त वो एलियन से काफी ज्यादा दूर है। और इसके बाद वो उस लड़की से आखिरी सवाल पूछता है, क्या तुम्हें ये राइटिंग समझ आ रही है। वो लड़की कहती है, शायद ये एक एंशियंट स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं भी इसे पढ़ नहीं पा रही, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो उस राइटिंग को पढ़ पाएगा। उसे लोग एक वक्त पर द विच ऑफ टैबूज के नाम से जानते थे और उसके पास बहुत ही फॉरबिडन नॉलेज है।
लेकिन उसने ये नॉलेज कभी किसी के साथ साझा नहीं की। इसी वजह से उसे उसके होमलैंड से निकाल दिया गया। तोका पूछता है, वो मुझे कहाँ मिलेगी? वो लड़की बताती है, द लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स। तोका कहता है, मुझे इतना कुछ बताने के लिए शुक्रिया, और यहाँ हमारा हिसाब बराबर हुआ। मैंने तुम्हारी जान बचाई, बदले में तुमने मेरे सवालों के जवाब दिए। अब हमें अपने अपने रास्तों पर चलना चाहिए। लेकिन इस लड़की की ऑनेस्टी देखकर तोका को अपनी आंटी की याद आ रही थी। वो भी इस लड़की की तरह बहुत अच्छे दिल की थी। इसके बाद तोका कहता है, तुम कुछ ही मिनट्स में हिल पाओगी, लेकिन इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता। और इसके बाद तोका वहां से जाते हुए कहता है, मैं दुआ करूंगा कि तुम अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचो। और तोका के साथ पिगी मारू भी जाने लगता है और वो तोका के ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ तोका कहता है, मैं सिर्फ उन्हीं को मारता हूँ जो मेरे मुताबिक गलत होते हैं, लेकिन शायद से ये मुमकिन है कि एक बार हिलने के बाद वो लड़की शायद से मुझ पर हमला करने के लिए जरूर आएगी, इसीलिए तुम पीछे नजर रखना, ओके पिगी मारू? पिगी मारू इशारा करता है ओके, और तोका अपने सफर पर आगे निकल पड़ता है। इसके बाद हमें प्रोविंशियल सिटी ऑफ माइल्स का सीन दिखाया जाता है, जहां तोका आ गया था, जहां एक गार्ड उससे पूछताछ करती है, जिसके कुछ देर बाद उसे अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। जिसके बाद तोका किंगडम के अंदर आकर कहता है, सब कुछ बड़े आराम से हो रहा है। इसके बाद वो एक इन में आता है कमरा किराए पर लेने के लिए, जहां उसे पता चलता है कि उसे एक रात के 2,000 रुपए देने होंगे। तोका कहता है, मैं काफी लंबे सफर से आया हूँ जिस वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसे मैं पहन सकता हूँ? और जब वो आदमी तोका के हाथ में पैसे देखता है, तब कहता है कि हाँ हमारे पास कपड़े हैं। वैसे आपका नाम क्या है? और तोका उसे यहाँ अपना गलत नाम बताता है, व्हाट इज कोल। अगले सीन में हम तोका को उसके कमरे में देखते हैं, जो अपने कपड़े बदल चुका है, साथ ही अपने पुराने कपड़ों को धो भी चुका है। इसके बाद तोका टाउन में आता है। इस वक्त मैं एक काफी बड़े टाउन में हूँ, जहाँ पर काफी सारी दुकानें हैं, लेकिन क्या यहाँ मुझे मैजिक आइटम मिलेंगे? इसके बाद तोका खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है और खाने का स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आकर वो आसानी से इंफॉर्मेशन को भी इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी लाउडली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ये तीन लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि किस नेशन के नाइट्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं। जैसे किंगडम ऑफ अल्जा में काफी सारे मॉन्स्टर स्लेयर्स हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर वाकोस एम्पायर के ब्लैक ड्रैगन नाइट्स हैं, जो होली एम्पायर ऑफ नीहा को तबाह कर चुके हैं। लोगों का कहना है उनके 5 ड्रैगून्स एक पूरी आर्मी के बराबर हैं, और उनके पास ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट और द हीरो स्लेयर भी हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद तोका घर आता है और वो कुछ खाना अपने साथ लेकर आया था पिगी मारू के लिए। और इसके बाद तोका अपने सबसे ज्यादा जरूरी काम के बारे में सोचने लगता है, जो है विच ऑफ टैबूज को ढूंढना, जो लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर में छुपी हुई है, क्योंकि वही इस फॉरबिडन मैजिक को पढ़ सकती है। और तभी तोका को उन लोगों की एक बात याद आती है, जब से मार्क्यूस ने खंडरों में जाने के लिए लोगों को बुलाना शुरू किया है, तब से हमारे टाउन में हलचल कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और इस बुक में एक एनहेंसमेंट सॉल्यूशन है, जिसके जरिए मॉन्स्टर्स की पावर को बढ़ाया जा सकता है, और तोका इसी सॉल्यूशन को बनाना चाहता है ताकि वो इससे पिगी मारू की एबिलिटीज को बढ़ा सके। और सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे स्केलेटन किंग की हड्डी चाहिए होगी, जो तोका को मिलेगी माइल्स के खंडरों में। ये बात जानने के बाद तोका अगले दिन उन्हीं खंडरों के पास जाता है, जहां एक आदमी इन सभी को बताता है, हमारे माइल्स के खंडरों में एक नया फ्लोर अपीयर हुआ है, और आप लोगों को यहां उसी को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाया गया है, और जो कोई भी खंडरों की गहराई में मौजूद ड्रैगन आई कैलाइस को लेकर आएगा, उसे 300 सोने के सिक्के मिलेंगे। बाकी के मटेरियल्स को अगर आप चाहें तो अपने पास ही रख सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। तोका यहाँ देखता है कि एक आदमी एक लड़की से कहता है, अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम सैरस एशरन हो, होली एम्पायर ऑफ नीआह की फॉर्मर नाइट कैप्टन, जिसके सिर पर एक काफी बड़ा इनाम है। आगे ये आदमी कहता है, मैं उससे एक बार मिला हूँ, अरे उसे तो मुझसे पहली नजर का प्यार हो गया था। ये लड़की कहती है, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। ये आदमी कहता है, तुम्हारे बात करने का तरीका शायद से कभी नहीं बदलने वाला, सरस एशरन। वो कहती है, तुमने शायद से मुझे कोई और समझ लिया है। ये आदमी कहता है, अच्छा तो कैसा रहेगा अगर तुम हमें अपने कान दिखाओ? एल्फ्स के कान इंसानों से काफी अलग होते हैं।
वैसे हमारे किंगडम ऑफ अल्सा में काफी सारे एल्फ्स हैं, लेकिन होली एम्पायर ऑफ नीआ की फॉर्मर नाइट कैप्टन एक हाई एल्फ है, द प्रिंसेस नाइट। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। और इसके बाद वो उस लड़की के सिर से उस पर्दे को हटा देता है। ये देखो गांव वालों, मैंने द फ्लैश मॉन्क ड्रॉग हैटी ने इसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। लेकिन अगले ही पल में वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस लड़की के कान बिल्कुल सही हैं। वो हैरानी के मारे वहीं गिर जाता है। अरे इसके कान और चेहरा तो बिल्कुल अलग है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम मिस्ट वेलुकस है, ना कि सेरस एशरम। ये देख सभी लोग कहते हैं, अरे इसने तो फालतू में सीन क्रिएट कर दिया, बेवकूफ कहीं का। ये बातें सुन मॉन्क कहता है, मैं ये सब याद रखूंगा मिस्ट वेलुकस। ये सब देखने के बाद भी तोका ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि तोका खंडहर में जाने से पहले थोड़ी शॉपिंग करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। वो उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे रोक कर पूछती है, क्या तुम भी यहाँ पर मार्क्यूस के कहने पर आए हो? तोका कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही, वैसे तुम्हें यहाँ अपना ख्याल रखना चाहिए। वो आदमी जिसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की, वो तुमसे बदला जरूर लेगा। वो लड़की कहती है, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, और मुझे भी इससे कोई बुराई नहीं, क्योंकि मुझसे नफरत करने के बाद वो मेरे करीब नहीं आते। ये बात सुन तोका कहता है, शायद तुम्हें दूसरों से बातें करना इतना पसंद नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा। मिस्ट कहती है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने सफर के लिए पैसे चाहिए। इसके बाद ये दोनों अपने अपने नाम बताकर हाथ मिलाते हैं। आगे तोका उस लड़की से कहता है, हम दोनों के ही कुछ अपने अपने सीक्रेट्स हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे को ज्यादा कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्ट कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ। इसके बाद तोका कुछ हथियार खरीदने के लिए एक शॉप में आता है, और यहाँ मिस्ट उसकी काफी मदद करती है, जिसके बदले में तोका उसे पैसे देता है। वो लड़की पैसे लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तभी वो गिर जाती है। तोका उसे संभालते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, मैं कुछ दिनों से सही से सोई नहीं, लेकिन मैं ठीक हूँ। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। वैसे अब तोका जाने वाला है माइल्स के खंडहरों में। इसके बाद हमें खंडहरों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोका आ गया था। जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाता है, अचानक ही दो आदमी उसे डर कर भागते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर तोका पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तोका पैरालाइज और पॉइजन का यूज करके उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जो भाग गए थे, वो अपने साथ किसी को लेकर आते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर मर चुका है। वहीं दूसरी ओर तोका, जिसे इस खंडर के मॉन्स्टर्स से जरा भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इन मॉन्स्टर्स को मारने पर भी उसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल रहे। लेकिन तभी तोका किसी की बात सुनता है, हे तुम दोनों, मैं चाहता हूँ कि मुझे सभी के सामने बेइज्जत करने वाली वो लड़की अपने पैदा होने पर भी पछताए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसे तड़पा तड़पा कर मारो, वो अपने जान की भीख मांगे तुम दोनों से। ये होता है मॉन्क ड्रॉग हैटी, जो मिस्ट बेलुकस से बदला लेना चाहता है। मैं उस लड़की को गिड़गिड़ाते हुए जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। उसे मारने के बाद मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके मॉन्स्टर्स को खिला दूंगा। जिस पर ये दोनों कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन उसे मारने से पहले हम उसकी इज्जत लूटेंगे। मॉन्क कहता है, तुम दोनों जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन उनकी ये बातें सुनकर तोका को गुस्सा आता है, और वो वहाँ आकर कहता है, तुम सभी की नीयत कितनी खराब है। लेकिन मॉन्क कहता है, लगता है तुम यहाँ मरने आए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों तोका पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तोका उनसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान मत लीजिए। वाह, इतनी जल्दी तुम अपनी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन उनके हमला करने से पहले ही तोका उन तीनों को पैरालाइज कर देता है। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हम हिल क्यों नहीं पा रहे, लेकिन तभी तोका उन्हें पॉइजन कर देता है। तुम जैसे लोगों को मारना सच में काफी सुकून भरा होता है। सो मॉन्क उससे कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तोका यहाँ से हंसते हुए चला जाता है, और इन तीनों पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला करके इन्हें खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए तोका बस उस नए फ्लोर से कुछ कदमों की दूरी पर ही था, लेकिन वहाँ जाने से पहले तोका थोड़ा आराम करता है। वो 3 घंटे तक सो लेता है, और उतनी देर में पिगी मारू चारों ओर नजर रखता है। इसके बाद वो नीचे के फ्लोर पर आता है, जहाँ उसे एक पार्टी मिलती है, द सेबर टाइगर्स,
और वो तोका को बताते हैं कि इस वक्त इन खंडरों में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। मॉन्स्टर्स काफी अजीब तरीके से मर रहे हैं, उनके शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं होता। इसीलिए मैं सेबर टाइगर्स की लीडर होने के नाते अपने साथियों को और अंदर नहीं जाने दे सकती, इसीलिए हम वापस ऊपर जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तोका कहता है, ऑफर के लिए शुक्रिया लेकिन नहीं। और इसके बाद वो पार्टी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है जिन मरे हुए मॉन्स्टर्स की बात वो पार्टी कर रही थी उन्हें तोका ने ही खत्म किया है। और तोका भी यही चाहता था कि इन मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखकर लोग यहाँ से चले जाएं। जितने कम लोग रहेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद तोका और गहराई में आकर एक दरवाजा खोलता है और इस कमरे के बीचों बीच होता है ड्रैगन आई कैलाइस। तोका उसे उठाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ उसे एक मॉन्स्टर का पुतला दिखता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि जैसे ही वो इसे उठाएगा ये पुतला हिलने लगेगा। इसीलिए तोका पहले ही उसे पैरालाइज और पॉइजन करके मार देता है। और इसके बाद वो उस ड्रैगन आई कैलाइस को उठाता है और थोड़ी ही देर बाद वो मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे मिस्ट वेलुकस आ जाती है। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ सबसे पहले पहुँचूंगी, क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे थे। तोका कहता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो, और वो उसे उस लड़की को दे देता है। मिस्ट कहती है, क्या तुम्हें 300 गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए? मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें इसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि तुम कुछ वक्त सो सको। लेकिन मिस्ट कहती है, मैं इस तरह तुमसे ये नहीं ले सकती। सो तोका कहता है, मैं खूबसूरत लड़कियों के प्रति काफी दयालुता रखता हूँ, और वैसे भी उसे पाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था। इस फ्लोर के नीचे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। मेरा यहाँ आना और मार्क्यूस का इस खंडहर को एक्सप्लोर करने के लिए लोगों को बुलाना बस एक इत्तेफाक था। ये बात सुन मिस्ट कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हें मेरी वजह से जरा भी परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे वो ड्रैगन आई कैलाइस फ्री में नहीं ले सकती। ये बात सुन तोका सोचता है, इस लड़की में बहुत आत्मसम्मान है। तोका उसकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। हम दोनों एक दूसरे से कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जो हमारी निजी जिंदगी के बारे में हो। मेरे मिशन के दौरान तुम बस मेरी मदद करोगी, समझी? और हो सकता है कि मैं कुछ दिनों तक यहाँ नीचे से बाहर ना आऊँ, लेकिन अगर तुम बाहर आना चाहो तो आ सकती हो। वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्ट एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है और वो उसके हमलों से बचते हुए उसे खत्म कर देती है। तोका उसकी तारीफ करने के बाद उससे पूछता है, जिन मॉन्स्टर्स की गोल्डन आइस होती हैं उनमें क्या अलग बात होती है? मिस्ट बताती है, गोल्डन आइस वाली मॉन्स्टर्स के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और दूसरी दुनिया से आने वाले हीरोज के लिए लेवल अप करने के लिए वो सबसे बढ़िया शिकार होते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया के हीरोज को दूसरे लोगों को मारकर कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता। और ये बात सुन तोका को समझ आता है कि आखिर क्यों उन चार लोगों को मारने के बाद भी उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले। इसके बाद मिस्ट बिना गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है। ऐसे मॉन्स्टर्स इंसानों के साथ संबंध भी बना सकते हैं। किस्से कहानियों के मुताबिक डीमन किंग अपने शरीर से एक स्पेशल एनर्जी निकालता है, द डीमन किंग एसेंस, और जो मॉन्स्टर उस एनर्जी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो गोल्डन आईड मॉन्स्टर बन जाते हैं। गोल्डन आई ये शब्द सुनकर तोका को गोल्डन हीरो ताकुतो की याद आती है। इसके बाद तोका एक दरवाजा खोलता है। यहाँ आते ही मिस्ट को एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है। सो तोका बताता है कि ये पिगी मारू है, मेरा पार्टनर, इससे दोस्ती करोगी तुम? जिसके बाद हम देखते हैं कि पिगी मारू मिस्ट से काफी जल्दी दोस्ती कर लेता है। इसके बाद तोका यहाँ एक ब्रेक लेने का फैसला करता है। तुम्हें कुछ देर सो लेना चाहिए, वक्त आने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। लेकिन मिस्ट मना कर देती है। सो तोका कहता है, थोड़ा आराम कर लो, वरना हो सकता है कि तुम जरूरत के दौरान बेहोश हो जाओ। इसीलिए मिस्ट कुछ देर आराम करने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद वो एक चादर बिछाकर उस पर लेट जाती है। और तभी तोका स्लीप का यूज करके उसे सुला देता है ताकि वो कुछ देर सही से आराम कर सके। लेकिन तभी अचानक मिस्ट की बॉडी ग्लो करती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। मिस्ट एक एल्फ है, जैसा मैंने सोचा था, तुम ही हो, फॉर्मर नाइट कैप्टन ऑफ होली निहा शेरस एशरन। दूसरी ओर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर तोका ने उन चार आदमियों को खत्म किया था। उन आदमियों की बॉडीज को मॉन्स्टर्स खा चुके हैं।
और इसी मुद्दे की छानबीन करने के लिए कुछ और लोग यहाँ आए हैं। यहाँ एक आदमी कहता है, आखिर चार होली वॉचर्स को इतनी आसानी से कौन मार सकता है। ये बीच वाला बंदा कहता है, सेरस एश्रन, उसके पास स्पिरिट रेगेलिया है, मैं उससे लड़ने के लिए काफी बेताब हूँ। और ये शख्स है ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सिविट गार्डलैंड। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्ट सो रही थी और तभी अचानक वो जाग जाती है और पल भर के लिए उसे लगता है कि तोका उसे छोड़कर भाग गया है। लेकिन तभी वो देखती है कि तोका वहीं सो रहा है। लेकिन तभी अचानक पिगीमारू के शोर करने की वजह से तोका जाग जाता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। इनके सामने एक दरवाजा होता है, लेकिन तभी अचानक इन्हें कुछ आवाज आती है जिस वजह से ये दोनों वहाँ से दूर भाग जाते हैं। और अगले ही पल में दीवार तोड़कर वहाँ एक मॉन्स्टर आता है, स्केलेटन किंग, और ये यहाँ का सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है। तभी मिस्ट कहती है, अगर हम इसके वो सिल्वर पार्ट को तोड़ दें तो हम इसे हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में इन्हें बहुत परेशानी होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यहाँ मिस्ट अपनी तलवार निकाल कर कहती है, सर मैं अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन आप देखकर चौंकना मत। अगले ही पल में मिस्ट अपने आर्मर्ड फॉर्म में आ जाती है। सर अब आप जो भी देखने वाले हैं प्लीज आप उसे हम दोनों के बीच ही रखना। ये मॉन्स्टर भी इन पर हमला करने के लिए तैयार होता है, जो देख मिस्ट कहती है, सर शायद से मैं आपकी सही से हिफाजत ना कर पाऊँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन उस मॉन्स्टर के हमला करने से पहले ही तोका उसे पैरालाइज कर देता है और इसके बाद उसे पॉइजन कर देता है, जिससे वो स्केलेटन मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। और इसके बाद तोका को उस स्केलेटन किंग से वो चीज मिल जाती है जिसे लेने के लिए वो यहाँ आया था। लेकिन तभी मिस्ट तोका से एक सवाल पूछती है। तोका कहता है, ऊपर पहुँचने के बाद मैं तुम्हारे ज्यादातर सवालों के जवाब दे दूंगा। लेकिन जाने से पहले पिगीमारू तोका को बताता है कि वहाँ कुछ है जिस वजह से तोका स्केलेटन किंग की बॉडी उस पर पल भर के लिए एक सिंबल दिखाई देता है। और जब वो उस पर से कपड़ा हटाकर देखता है तो ये एक अंडा होता है और पिगीमारू इस अंडे को अपने साथ लेना चाहता है, जिसके लिए तोका भी राजी हो जाता है। दूसरी ओर हम कुछ सोल्जर्स को भागते हुए देखते हैं। ये स्केलेटन नाइट्स से बचकर भाग रहे थे और ये स्केलेटन नाइट्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे। एक लड़की इस लड़ाई में अपना हाथ खो देती है। सो तभी काशिमा उसके पास आकर कहती है, हम गॉडेस से तुम्हें हील करने को कहेंगे। दोस्तों ये तोका के क्लासमेट्स होते हैं और इनके साथ अयाका भी होती है। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वहाँ यामादा आकर अपनी रेड फिस्ट बुलेट से एक स्केलेटन को खत्म कर देता है। और इसके बाद ताकुतो अपने ड्रैकोनिक बस्टर से दूसरे स्केलेटन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इसके बाद ताकुतो कहता है, ये काफी ज्यादा ताकतवर दुश्मन थे और मैं इनसे इसीलिए जीत गया क्योंकि मैं ज्यादा ताकतवर था। ताकुतो लेवल 24 तक पहुँच चुका है। दूसरी ओर सरफेस पर पहुंचने के बाद मिस्ट सोल्जर्स के सामने ड्रैगन आई को रखती है। दूसरी ओर तोका का काम माइल्स रियंस में खत्म हो चुका है। लेकिन उसके जाने से पहले उसके पास मिस्ट आती है और उसे बताती है, कल होने वाले रिसेप्शन में मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलेगा। ये बात सुन तोका कहता है, यानी कल तक तुम बिल्कुल फ्री हो, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ अकेले में कुछ बात कर सको। मिस्ट इसके लिए तैयार हो जाती है। तोका उसे रात 8 बजे अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाता है और इसके बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मिस्ट उसे रोक कर कहती है, ड्रैगन आई कैलाइस के लिए मैं एक और बार तुमसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तोका कहता है, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रात में जब पिगीमारू खाना खा रहा था उस वक्त तोका मॉन्स्टर एनहेंसमेंट पोशन बना रहा था। लेकिन तभी 8 बजते ही मिस्ट उसके घर का दरवाजा खटखटाती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि तोका मिस्ट को अपना बॉडी गार्ड बनाना चाहता है। और इसके बाद वो उसे नक्शा बताते हुए कहता है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा मेरा गोल विच ऑफ तैबूज को ढूंढना है जो लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर में छुपी हुई है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स मुझ पर हमला कर दें, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ किल का कमाल था। अगर मैं तुम्हारे साथ ट्रेवल करना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए था और इस वक्त मुझे तुम्हारी लड़ने की स्किल्स की जरूरत है। सेरस बताती है कि वो स्पिरिट्स की पावर का यूज करके अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखती है, लेकिन बदले में मुझे उन स्पिरिट्स को कुछ देना पड़ता है और मैं उन्हें अपनी नींद देती हूँ। और यही वजह है कि जब सेरस सोई थी तब वो अपने असली रूप में आ गई थी और वो होली वॉचर्स भी इसी वजह से उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि एक दिन सेरस को सोते हुए उन्होंने उसके असली रूप को देख लिया
और अब सेरस अपने असली रूप में आ जाती है। जो देख तो का कहता है, तुम मेरे सामने अपने असली रूप में आ गई, शायद तुम मुझ पर भरोसा करने लगी हो। वो कहती है, हाँ आप मेरे भरोसे के लायक हैं सर हैती। सो अब तोका उसे अपना असली नाम बताता है, तोका मेमोरी। ये नाम तुम अपने तक ही रखना, बदले में मैं भी तुम्हारे राज अपने तक रखूंगा। सो अब सेरस कहती है, मैं आपकी बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और यहाँ तोका सेरस को उसकी पेमेंट देता है। लेकिन सेरस इस ब्लू स्टोन को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो तोका को इस बारे में बताती है, सर तोका मुझे पूरा यकीन है कि ये एक ब्लू ड्रैगन जेम है। तोका याद करता है कि ये जेम्स उसे इन दोनों से मिले थे उन ड्यून्स ऑफ डिस्पोजल में। तोका पूछता है, क्या ये कीमती होते हैं? वो बताती है, ये ब्लू ड्रैगन जेम्स सिर्फ ब्लू आई ड्रैगन से बनाए जा सकते हैं और इसकी कीमत ड्रैगन आई कैलाइस के रिवॉर्ड से भी बहुत ज्यादा होती है और आपको ये किसी को भी नहीं देना चाहिए। जिसके बाद वो इस जेम को फिर से तोका को दे देती है, लेकिन तोका उसे ये जेम फिर से दे देता है। मैंने कहा ना, ये तुम्हारा है, तुम्हें बस इसके बदले में मेरी हिफाजत करनी होगी। और अब सेरस उसे लेने के लिए राजी हो जाती है। तोका कहता है, दूसरों के सामने मुझे हैती कहकर बुलाना और मैं तुम्हें मिस्ट कहकर बुलाऊंगा। लेकिन तभी सेरस कहती है, सर एक बात है जो मैंने अब तक आपको नहीं बताई। तोका कहता है, तुम मेरी गार्ड हो, तुम्हें सिर्फ मेरी हिफाजत करनी है और मैं तुम्हारे अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता। और इस वजह से सेरस कहती है, शुक्रिया सर तोका। अगले सीन में हम सेरस को उसके कमरे में देखते हैं और वो खुद को पानी से साफ कर रही थी और इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ तोका के ख्याल आ रहे थे। और इसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट कर कहती है, मैं बिल्कुल राजकुमारी की तरह उस पर भी भरोसा करना चाहती हूँ। इसके बाद वो सो जाती है और अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। और यहाँ पर कुछ लुच्चे लोग सेरस के बारे में कह रहे थे, मैंने इस लड़की को कल उस आदमी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, वो आदमी इसके पूरे मजे ले रहा है। सो तभी तोका कहता है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वैसे क्या तुमने फॉरबिडन मैजिक के बारे में सुना है? वो कहती है, हाँ। और यहाँ तोका ये नोटिस करता है कि ज्यादातर वक्त जब सेरस बात करती है तो वो अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर रखती है। आगे सेरस बताती है, गॉडेस वीसियस के अनुसार फॉरबिडन मैजिक एंशियंट मैजिक स्पेल्स को कहा जाता है, यानी कि गॉडेस के कहने से कि ये स्पेल्स फॉरबिडन है तो ये फॉरबिडन हो गए। जिनसे तोका समझता है कि अगर गॉडेस ने इन स्पेल्स को फॉरबिडन किया है तो इसका मतलब ये उसके लिए खतरनाक होते होंगे। इसके बाद तोका इस जानकारी के लिए सेरस को शुक्रिया कहता है। वो कहती है, शायद आपने आज पहली बार मुझे शुक्रिया कहा है और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके किसी काम आ पाई। और इसके बाद सेरस अपने रिवॉर्ड रिसेप्शन में जाने लगती है ये कहकर कि मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। तोका कहता है, मैं इनके बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले सीन में हम तोका को जंगल में देखते हैं। जंगल में वो आया है पिगी मारू का एनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दूसरी ओर हमें रिसेप्शन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पार्टी में क्रेड हरकले कहता है, ये पार्टी की गई है रिवॉर्ड देने के लिए उस शख्स को जिसने ड्रैगन आई कैलाइस को माइल्स के रियून से ढूंढ कर निकाला है, मिस्ट वेलुकास। लेकिन तभी वहाँ एक शख्स आता है जिसे रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया गया है और उसे देख सेरस थोड़ी परेशान हो जाती है। दूसरी ओर काफी देर हो जाने के बाद भी सेरस तोका के पास नहीं आती। इसके बाद हमें एलियन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहां गॉडेस अयाका से कहती है, मैंने सुना कि तुम्हें डंजन में मॉन्स्टर्स का सामना करने में बहुत दिक्कत हुई और तुम चिंता मत करो, मैं साकुरा को संभाल लूंगी, वही लड़की जिसका हाथ कट गया था। और ऐसा करने के लिए अयाका गॉडेस को शुक्रिया कहती है। गॉडेस कहती है कि वो साकुरा को इस वजह से हील कर पाई क्योंकि वो बी क्लास की है, इससे छोटे क्लास के लोगों को वो हील नहीं कर सकती। वैसे क्या तुम ताकुतो के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगी? वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ बहुत अच्छे से अपना काम कर पाऊंगी। गॉडेस कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ये सेल्फिशनेस क्लास 2C की हारमोनी को डिसरप्ट कर रही है। अयाका कहती है, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो गॉडेस कहती है, नहीं ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें सही गाइडेंस नहीं दे पा रही, सारा कसूर मेरा है। लेकिन फिर भी अयाका ताकुतो के साथ ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देती है क्योंकि वो काफी घमंडी है। मैं अपने तरीके से अपने एस क्लास हीरो होने की जिम्मेदारी को पूरा करूंगी। गॉडेस कहती है, ठीक है, और मैं उन सारे स्टूडेंट्स को तुम्हें सौंप दूंगी जो ट्रायल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। एस क्लास हीरो होने के नाते तुम उन्हें ट्रेन करोगी। अयाका कहती है, हम इस मामले में पहले ही बात कर चुके हैं
कि उनके बदले की लड़ाई मैं किया करूंगी। गॉडेस कहती है, हमसे कुछ वक्त पहले कहा गया है कि हम उन सभी हीरोज को खत्म कर दें जो लड़ नहीं सकते, और मैं चाहकर भी इस फैसले को नहीं बदल सकती। मुझे माफ कर दो। बेचारी अयाका को ना चाहते हुए भी गॉडेस की बात माननी पड़ती है। लेकिन अयाका के जाने से पहले गॉडेस उससे कहती है, जिन स्टूडेंट्स को तुम संभाल रही हो, अगर उन्हें संभालने में तुम्हें परेशानी होने लगे, तब तुम्हें सच्चाई को कबूल कर लेना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए। और अयाका के वहाँ से जाने के बाद ये गॉडेस अपने असली तेवर दिखाती है। ये गॉडेस असली रानी है, बस एक शब्द साइलेंट है। दूसरी ओर शाम के 6 बजने के बाद भी सेरस तोका के पास नहीं आती, जिस वजह से तोका को लगता है या तो वो रिवॉर्ड लेकर भाग गई है या फिर उसके साथ कुछ हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए तोका कहता है, अगर उसे हमारे साथ जाना ना होता तब वो हमें साफ साफ मना कर सकती थी, लेकिन शायद से बात कुछ और है। तभी वो एक आदमी की बात सुनता है, जिस लड़की ने ड्रैगन आई कैलाइस को खंडर में से ढूंढा था वो प्रिंसेस नाइट थी। अभी वो बचकर जंगल में भाग गई है, लेकिन उसे देखते ही खत्म करने का आदेश दिया गया है। और तभी अचानक तोका आसमान में कुछ ड्रैगन्स को उड़ते हुए देखता है। लोग कहते हैं, अरे ये तो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स हैं। दूसरी ओर जंगल में हम सेरस को देखते हैं, जो बचकर भाग रही थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन नाइट्स उसके पीछे आ रहे थे। और एक नाइट उसे देख लेता है और वो उस पर हमला करने के लिए आता है। सो तभी सेरस अपनी एबिलिटी का यूज करके उस नाइट के ड्रैगन को वहीं खत्म कर देती है, लेकिन वहाँ और भी नाइट्स आ जाते हैं। सो तोका उन्हें भी खत्म कर देती है, लेकिन इस लड़ाई से वो काफी थक जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे एक ड्रैगन होता है, लेकिन यहाँ वो चकमा नहीं खाती। वो अपनी एबिलिटी का यूज करके बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि उसका असली दुश्मन उसके सामने होता है। और अब सेरस उससे लड़ने लगती है। इसका नाम गीजुन है, 5 ड्रैगन्स के सर ऑर्बेन का स्क्वाड लेड वाइस कैप्टन। और वो कहता है, आज तुम यहाँ मरोगी सेरस एशरैन। इस वक्त सेरस कमजोर होने की वजह से अपने रेगेलिया फॉर्म में भी नहीं आ सकती, जिस वजह से उसे गीजुन का सामना करने में काफी परेशानी हो रही थी। और यहाँ गीजुन सेरस के फिकर को देखकर कहता है, तुम सच में किसी भी आदमी का मन मोह लो, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे मर्द हैं जो तुम्हें मुर्दा देखना चाहते हैं। और तभी अचानक गीजुन का सामना करते हुए सेरस कमजोर पड़कर वहीं गिर जाती है, और अगले ही पल में गीजुन उसे दबोच लेता है और कहता है, हमसे कहा गया है कि तुम्हारे साथ कुछ किए बिना ही तुम्हें खत्म कर दें, लेकिन तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हारे थोड़े बहुत मजे तो लूंगा ही। लेकिन अगले ही पल में गीजुन ये नोटिस करता है कि वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा, क्योंकि दोस्तों वहां पर आ चुका है तोका और उसने गीजुन और उसके ड्रैगन को पैरालाइज कर दिया है। और इसके बाद तोका गीजुन को पॉइजन कर देता है, लेकिन नॉर्मल में। इसके बाद सेरस पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आया हूँ। और सेरस के कुछ और कहने से पहले ही वो गीजुन को सुला देता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, लेकिन दूसरे लोगों को ये बातें नहीं सुननी चाहिए। सो अब सेरस कहती है, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ये ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आपका भी हमेशा पीछा करते रहेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये जेम मुझसे वापस लेकर हमारे एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन तभी तोका एक थैली सेरस को दे देता है। सेरस जैसे ही उसे खोल कर देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस थैली में बहुत सारे ब्लू ड्रैगन जेम्स होते हैं। और अब तोका कहता है, तुमसे अच्छी बॉडीगार्ड ढूंढना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वैसे सेरस, चलो अब अपने कपड़े उतारो। वैसे तोका के यही कहने के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में तोका सेरस को उसके कपड़े उतारने को इसीलिए कहता है क्योंकि माइल्स के लोगों ने उसे इन कपड़ों में देख लिया है, और इसीलिए वो सेरस को कपड़े बदलने को कहता है। और इसके बाद वो सेरस से ये भी कहता है कि उसे इन लोगों से बचने के लिए द विच ऑफ तैबूस से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि विच ऑफ तैबूस आखिर कहाँ रहती है, इसीलिए सेरस भी वहाँ छुप सकती है और तोका को भी वहीं जाना है, तो ये दोनों साथ में जा सकते हैं। ये बात सुन सेरस कहती है, आखिर आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? तोका कहता है, तुम्हें देख मुझे किसी की याद आती है। वो तोका की आंटी होती हैं। ये बात सुन सेरस कहती है, आप सच में बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। वैसे इसके बाद तोका इस नाइट से कहता है, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम पर दया दिखा सकता हूँ। लेकिन वो नाइट कहता है कि तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट से बच नहीं पाओगे। ये सुन सेरस पूछती है, आखिर कौन मुझे मरवाना चाहता है? वो नाइट कहता है, ठीक है, आखिर मैं भी तो देखूं कि होली एम्पायर की प्रिंसेस नाइट सच जानकर कैसा रिएक्शन देती है।
लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही एक तलवार आकर उसके सिर के चीथरे चीथरे कर देती है। आसमान में काफी सारे ड्रैगन आ जाते हैं और यहाँ आ चुका था ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट, और उसे देख तोका भी घबरा जाता है और अब ये कहता है, मैं सिविट हूँ लेकिन उस दुनिया के लोग मुझे एक दूसरे नाम से जानते हैं, ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट। और अचानक ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिविट काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुका था, और इसके बाद वो एक आदमी से कहता है, हार मानकर अपना राज्य हमारे हवाले कर दो। और यही ख्वाब देखते हुए वो आदमी नींद से जाग जाता है। दूसरी ओर अब तोका और सेरस के सामने ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सिविट कार्टलैंड खड़ा हुआ था, और यहाँ पर उसके साथी भी थे। तभी उसका एक साथी ऑर्बन कहता है, आपने उसे क्यों मार दिया? जिस पर सिविट कहता है, ऑर्टोला ने यही ऑर्डर दिया था। दोस्तों ऑर्टोला शायद से यही बुढ़ा है, और यहाँ पर ये बुढ़ा सेरस को याद कर रहा था, या कहूँ कि उसकी खूबसूरती को याद कर रहा था। और इस बारे में सोचकर कि कोई दूसरा आदमी सेरस को छुएगा, उसके साथ रात गुजारेगा, ये बुढ़ा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन प्लीज मर जाओ सेरस। और ये बात जानकर कि एम्परर ऑर्टोला सेरस को चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ सिविट कहता है, अगर गीजन मेरे उस हमले को डॉच कर लेता तब मैं उसे जिंदा छोड़ देता। तभी स्वेट्स नाम का एक बंदा कहता है, अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, क्यों ना हम रिवॉर्ड के रूप में अपने चमचों को इसकी इज्जत लूटने दें और उसके बाद इसे मारें। तभी ऑर्बन कहता है, नहीं, उस बुड्ढे ऑर्टोला ने हमसे कहा है कि हम इसकी लाश को बिना कुछ भी किए ले जाएं। वैसे वो बुड्ढा तब तक चैन की सांस नहीं ले सकता जब तक तुम जिंदा हो, और बस इन्हीं बातों पर सेरस यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी सिविट कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ सेरस, तुम मुझसे मुकाबला करो, और अगर तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। और पहले तो मैं इस मुकाबले के जरिए ये भी जानना चाहता था कि तुम्हारा स्पिरिट रेगेलिया कितना ताकतवर है, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट इस आदमी में आ रहा है, कौन हो तुम? यहाँ तोका काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसके सामने ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट खड़ा हुआ है, एक बहुत ही खतरनाक शख्स। लेकिन अब तोका कहता है, मेरा नाम हैटी स्कॉल है, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ सिविट गार्डलैंड? लेकिन सिविट कहता है, ये शायद से तुम्हारा असली नाम नहीं है, है ना? तुम मुझे अपना असली नाम क्यों नहीं बताते? लेकिन तभी स्वेट्स कहता है, आखिर आप इस लड़के से ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सिविट कहता है, क्या तुम इस बात से हैरान नहीं हो कि फाइव ड्रैगून्स के सामने खड़ा होकर भी ये कांप नहीं रहा, ये हमला करने के लिए बस सही मौके का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये इस बात को समझता है कि अगर इसने एक भी गलत कदम उठाया तो इसकी जान चली जाएगी। ये सब सुन तोका मन में कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। और अब वो कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम किसी ऐसे दुश्मन की तलाश कर रहे हो जो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके, है ना? लेकिन इस दुनिया में तो बहुत से सुपर ह्यूमन पावर वाले लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल द गॉडेस ऑफ एलियन। सिविट कहता है, मेरे राज्य बाकोस और एलियन राज्य के बीच के रिश्ते काफी अच्छे हैं, और मैं गॉडेस से ज्यादा उसके द्वारा सम्मन किए गए हीरो से लड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन तुम में अब मैं अपना इंटरेस्ट खो चुका हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के सिरों को नीहा की प्रिंसेस कैटेलिया को सौंपूंगा। और वैसे कहीं तुम मेरा मुकाबला करने के बारे में तो नहीं सोच रही? तुम्हारी ही वजह से हमने सबसे पहले नीहा राज्य पर हमला किया था सेरस एश्रहन। तभी ऑर्बन कहता है, शायद से सच्चाई जानकर तुम काफी हैरान हो, हमारी गॉडेस को तुम्हारे राज्य का वो छोटा सा पैलेडिन काफी पसंद आ गया था, लेकिन तुम्हारे राज्य ने उसे हमें सौंपने से मना कर दिया। इसी वजह से ना चाहते हुए भी हमें उन लोगों को मारना पड़ा जो सरेंडर करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन तभी तोका सिविट के थोड़ा और करीब जाकर कहता है, तुम्हें एक ऐसा दुश्मन चाहिए जो तुम्हारा सामना कर सके, है ना सिविट? तो मैं वो दुश्मन बनने के लिए तैयार हूँ। तुम्ही ने कहा था ना कि वो गॉडेस जिन हीरोज को सम्मन करती है वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी दूसरी दुनिया से आया एक हीरो हूँ, तोका मेमोरी। और ये बात जानकर सेरस भी हैरान हो जाती है। ये सुन सिविट कहता है, तभी मैं सोचूं कि आखिर तुम मुझे थोड़े अलग क्यों लग रहे हो, वैसे तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तोका कहता है, मैं गॉडेस की आज्ञा अनुसार ही यहाँ पर अकेला एक मिशन करने के लिए आया हूँ। सिविट पूछता है, आखिर तुम बाकी हीरो से अलग क्यों काम कर रहे हो? तोका कहता है, मैं बाकी सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं अकेले ही काम करता हूँ।
तोका की बातें सुन सिविट को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और वो कहता है, तो दूसरी दुनिया से आए हीरो आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, आखिर इसमें मेरा क्या फायदा। तोका कहता है, मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनकर तुम्हें मारने के लिए आऊंगा, मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि वो कॉडियस भी मेरी ताकत देखकर कांप उठेगी। सिविट पूछता है, अच्छा तो तुम ताकतवर कैसे बनोगे। तोका उसे बताता है कि वो द लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर में जा रहा है, उस गॉडेस वीसियस ने मुझे ये इजाजत दी है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन आखिर में मैं उसी के पास वापस लौटूंगा। और यहाँ तोका अपने मन में कहता है, आखिर मुझे उससे बदला जो लेना है। ये बात सुन सिविट कहता है, चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे ताकतवर बनते हो और उसके बाद तुम कैसे मुझे मारते हो। तोका भी कहता है अगर ये लड़का अपने वादे को तोड़कर कहीं भाग गया तो। लेकिन तभी सिविट कहता है, अपना मुंह बंद रखो। इसीलिए अब स्वेट्स कहता है, सिविट अब तुम्हें ग्रिम रिटर से भी कह देना चाहिए कि उसे अब अपना वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से जाते हुए सिविट कहता है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा तोका मेमोरी, जिस दिन हम फिर से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही सिविट का ध्यान भटकता है, तोका उस पर अपनी पैरालाइज स्किल का यूज कर देता है, और जब तक सिविट को इसका एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। सिविट और उसके सभी साथी पैरालाइज होकर नीचे गिरने लगते हैं। और अब तोका कहता है, माफ करना ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए किसी दिन का इंतजार करूं। आखिर ये मेरे बदले की कहानी है और मेरे बदले के लिए तुम्हें अभी मरना होगा। दूसरी ओर सिविट खड़ा होने की कोशिश करता है, आखिर तुमने ये क्या किया तोका। तोका कहता है, मैंने कहा ना, मैं ये सब अभी और इसी वक्त खत्म करने वाला हूँ। और इसके बाद वो उन सभी को पॉइजन कर देता है, जिस वजह से सिविट के बाकी के साथी तो तुरंत ही मरने लगते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से सिविट इतनी जल्दी नहीं मरता। वो अभी भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। आखिर ये पूरी दुनिया उसे ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट कहकर बुलाती है। और ये दूसरी बार है जब तोका ने देखा हो कि उसके किसी को पैरालाइज करने के बाद भी वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब सिर्फ सुसाइड है। और ऐसा ही सिविट के साथ भी होता है, वो जितना खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है उसकी बॉडी से उतना ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लेकिन सिविट के मरने से पहले तोका चैन की सांस नहीं ले सकता, उसे हर एक पल के लिए तैयार रहना होगा। और जैसे ही सिविट के एक आदमी की मौत होती है, आसमान में एक सिग्नल जाता है और उसी सिग्नल की वजह से अब तोका की ओर काफी सारे नाइट्स आने लगते हैं। यहाँ तोका सैरस से कहता है, अगर तुम भागना चाहो तो भाग सकती हो, लेकिन सैरस कहती है, मैं यहीं रुकूंगी क्योंकि इस वक्त मैं आपकी बॉडीगार्ड हूं। और यहाँ पहुँचते ही वो बाकी के नाइट्स देखते हैं कि सिविट और उसकी पूरी टीम जमीन पर पड़ी हुई है। तभी सिविट अपना पूरा जोर लगाकर उनसे कहता है, इन्हें खत्म कर दो और इसके ज्यादा करीब मत आना, चाहे कुछ हो जाए इन दोनों को खत्म कर देना। लेकिन तभी तोका अपने स्टेट्स के साथ कुछ तो करता है, जिस वजह से वो पिगी मारू के साथ लिंक्ड हो जाता है। और ऐसा वो इसी वजह से कर पा रहा है क्योंकि उसने पिगी मारू के ऊपर मॉन्स्टर एनहेंसमेंट पोशन का यूज किया है। और इसके बाद वो पिगी मारू के साथ मिलकर एक अलग ही फॉर्म बना लेता है और इसके बाद अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे बहुत तेज प्रेशर क्रिएट होता है। और इसके बाद पिगी मारू के टेंटिकल्स आसमान में जाकर इन सभी नाइट्स के सामने आ जाते हैं और इन्हीं के जरिए तोका इनके ऊपर अपनी पैरालाइज स्किल का यूज कर देता है, जिस वजह से ये सभी नाइट्स अब नीचे गिरने लगते हैं। और इसके बाद तोका इसी तरह सिविट और उसके बाकी के साथियों के ऊपर अपनी स्लीप स्किल का यूज करके उन्हें सुला देता है। और यहाँ तोका की नई स्किल्स अनलॉक हो जाती हैं, जैसे फ्रीज, डार्कनेस, बर्सर्क। और इसके बाद वो एक नाइट पर बर्सर्क का यूज करता है, जिससे बॉडी के अंदर कुछ वायलेंट अर्जेस पैदा होती हैं और पैरालाइज स्किल के साथ मिलकर ये दुश्मन को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकती है। और इसके बाद वो एक दूसरे शख्स के ऊपर डार्कनेस स्किल का यूज करता है, जिस वजह से उस आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ तोका का लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, जिसके बाद तोका फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब आसमान से नीचे गिरे हुए सभी नाइट्स को पैरालाइज करने के बाद तोका सिविट के पास जाता है, जो अभी भी जिंदा था। सिविट यहाँ पूछता है, आखिर तुम हो कौन। वो कहता है, मैं कोई ऐसा हीरो नहीं हूँ जो इस दुनिया को बचाने के लिए आया है, मैं सिर्फ
अपना बदला लेना चाहता हूँ। और बस तो काकी यही कहते ही ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सिविट कार्टलैंड अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सेरस अपने कपड़े बदल लेती है। यहाँ तोका कहता है, थैंक यू, तुम उस वक्त मुझे छोड़कर भागी नहीं। सेरस कहती है, अगर मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाती तो मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाती, और वैसे तुम सच में बहुत ही ज्यादा दयालु हो। तोका कहता है, शायद तुम्हें ऐसा इसी वजह से लग रहा है क्योंकि मैं किसी दयालु इंसान को ही याद कर रहा हूँ। सेरस कहती है, तुम अपनी आंटी की बात कर रहे हो, है ना। अब इसके बाद सेरस तोका को हीरो स्लेयर के बारे में बताती है, जो एक दिन ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन तभी तोका कहता है, जिन 5 ड्रैगून्स पर सिविट और उसके साथी उड़ रहे थे वो बाकी के नाइट्स के ड्रैगून्स से काफी अलग थे। और दोस्तों, यहाँ पर तोका हीरो स्लेयर को भी हरा चुका है। वहीं दूसरी ओर हमें एक खंडहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोका के बाकी के क्लासमेट्स थे, और तभी वहाँ एक लड़की आती है, गॉडेस वीसियस की एक फॉलोअर नियांतन कीकीपैट, और वो उन्हें कुछ करने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ यामाडा आकर कहता है, आखिर हम तुम्हारी बात क्यों माने, हाँ क्या तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो, हाँ। जिस पर वो लड़की कहती है, तुम अपनी औकात से ज्यादा बोलते हो। और इसके बाद वो एक झटके में ही वहाँ पर यामाडा को बेहोश कर देती है। उसकी स्पीड देख कर अयाका भी हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो लड़की कहती है, अब हम रॉयल कैपिटल वापस जा रहे हैं। दूसरी ओर तोका सेरस को बताता है कि उसके बदले के रास्ते में जो भी आएगा वो उसे खत्म कर देगा बिना कोई रहम खाए। यहाँ सेरस कहती है, मैं भी आपके बदले में आपका साथ दूंगी, इसीलिए आप जैसे चाहें वैसे मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तोका कहता है, मेरा साथ देने में तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन सेरस कहती है, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, इसीलिए मैं इस कर्ज को चुकाना चाहती हूँ। ये बात सुन तोका कहता है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, तो अब मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ने वाली है सेरस एस्ट्रेन। वो कहती है, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरूंगी। और इसके बाद तोका कहता है, सेरस तुम मेरी जो मदद कर रही हो मैं उसका कर्जा एक दिन जरूर उतारूंगा। और इसके बाद तोका आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, मैं हमेशा अपना कर्ज उतारता हूँ, चाहे वो प्यार भरा हो या दर्द भरा। और इसी के साथ इन दोनों के एक नए सफर की शुरुआत होती है और हमारे इस एपिसोड का अंत होता है।